नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा तरीन खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचते रहे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राम मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ाने का फैसला किया है। अयोध्या के मंडलायुक्त मनोज मिश्रा के अस्थायी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के भत्ते में बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार रामलला को मिलने वाला भत्ता 26,200 से बढ़ाकर के 30,000 रुपए कर दिया गया है। यानी अब रामलला के भोग कपड़े आदि के लिए रोज 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अभियान चलाकर भरे जाए आरक्षण कोटे के खाली पद, देश हित में ऐसे कदम उठाने पहुंच रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार से नौकरियों में आरक्षण कोटे में खाली पदों को विशेष अभियान चलाकर के भरने की मांग की है। मायावती ने कहा है कि देश भर में खासकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अग्रणी जातियों के करोड़ों गरीबों की आर्थिक हालत काफी खराब बनी हुई है। इस बारे में केंद्र और राज्य सरकारों से मांग है कि वे इस पिछड़े और उपेक्षित वर्गों पर विशेष ध्यान दें, गरीबी उन्मूलन आदि योजनाओं का सही लाभ उन्हें उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली संविधान की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सेना और सरकार के पूर्व आला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से इसे लेकर के याचिका दायर की है। इसे सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन किया जा सकता है। याचिका के पूर्व नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने सरकार के इस फैसले को संविधान और लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ बताया है। जम्मू कश्मीर में आज से खुले प्राइमरी स्कूल, कई दफ्तर और टेलीफोन एक्सचेंज भी खुले। जम्मू कश्मीर में फैलाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिए रविवार को एक बार फिर से 5 जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी। एक दिन पहले ही इन सेवाओं को बहाल किया गया था। जम्मू कश्मीर में हालत धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में आज प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं और साथ ही सरकारी दफ्तर भी खुले हैं। अकेले श्रीनगर में आज 190 स्कूल खुले गए हैं। पीओके पर राजनाथ के बयान के बाद भारत के परमाणु हथियार से डरा रहा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक संभव नहीं होती जब तक आतंकवाद को सहयोग देना और उसे बढ़ावा देना बंद नहीं करता। राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल पीओके पर ही होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया से मदद की गुहार लगाई है। इमरान खान ने चिंता जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर संज्ञान लेने की अपील की है। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा है कि फासीवाद और नस्लीवाद, हिंदू वर्चस्व वाली मोदी सरकार के नियंत्रण में भारत के परमाणु हथियार की सुरक्षा पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली एम्स में भर्ती, उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। सांस लेने में परेशानी होने और बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें 9 अगस्त को अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि एम्स ने उनके स्वास्थ्य के बारे में 10 अगस्त तक कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी किया है। उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए रविवार को कई बड़े नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया है। एमटीवी रोडीज कश्मीर के अरुण शर्मा ने जीता रोडीज रियल हीरोज का खिताब। एमटीवी के पॉपुलर शो रोडीज रियल हीरोज के विजेता का ऐलान हो चुका है। इस शो को सिंगर रफ्तार की टीम ने अर्जुन शर्मा की जीत हासिल किया है। रोडीज ने 16वें सीजन रोडीज रियल हीरोज का फिनाले रविवार शाम हुआ, जिसमें से अरुण ने प्रिंस रुनार की टीम विद्वांस श्रेष्ठा और अंकिता पाठक को मात देकर के खिताब अपने नाम किया है। अनुच्छेद 370 अच्छा था तो इसे अस्थायी क्यों नहीं बनाया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले का समर्थन नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति में शामिल रही है, जबकि वह जानती थी कि अनुच्छेद 370 राष्ट्रहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान को महसूस किया है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है, जबकि वह कहती है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का आज लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन हो गया है। जगन्नाथ मिश्रा बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 1975 में वे मुख्यमंत्री बने और अप्रैल 1977 तक रहे। उसके बाद 1980 में उन्होंने 3 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। फिर वह 1989 में 3 महीने के लिए सीएम रहे। जगन्नाथ मिश्रा पर चारा घोटाले का भी दाग लग चुका है और वे कई महीने तक जेल में बितानी पड़ी है। आज रात 9 बजे शुरू होगा केबीसी क्विक गेम शो का 11वां सीजन। होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति ब्रिटिश कार्यक्रम हु वांट्स टू बी मेलोरियन पर आधारित है। अमिताभ बच्चन इसके 10 सीजन की मेजबानी कर चुके हैं। केवल 3रे सीजन की शुरुआत मेजबानी सुपरस्टार शाहरुख खान ने की थी, लेकिन यह दर्शकों पर प्रभाव छोड़ने में नाकाम साबित रहे हैं।